हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सेगमेंट ऑफ नो ईयर चैंपियंस। और अब यहां पर जो हमारे साथ प्लेयर मौजूद रहेंगे, दैट इज समवन फ्रॉम टीम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसी टीम जिसने अंडरडॉग होने के बावजूद परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दिखाई है, सो वेलकम भी करेंगे और साथ साथ सवाल भी पूछेंगे। हमारा पहला सवाल रहेगा एक्सेलरेशन के रहमान से कि अगर हम कंपेयर करें आपकी ग्रुप स्टेजेस की परफॉर्मेंस को सेमीफाइनल्स के साथ, तो आपकी टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अभी, सो ये चेंज इन परफॉर्मेंस की क्या वजह हो सकती है? क्या आप अपना 100% नहीं दे पा रहे? ग्रुप स्टेजेस में हम लोग, जारी बात है, थोड़ा टीम भी इतनी वो नहीं थी, तो सेमीफाइनल्स में आके कंपटीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उस वजह से हम लोग किल्स तो ले पा रहे थे लेकिन पोजिशन पॉइंट्स में लैक कर रहे थे। तो सेमीफाइनल्स में हमने काफ़ी सीखा और काफ़ी लर्न किया, इंशाल्लाह आगे फाइनल्स में और अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई रियली डू होप कि आप जब फाइनल से परफॉर्म करें। अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि हमने देखा आपकी टीम छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से एलिमिनेट हो जाती है, तो अब फाइनल्स में आप क्या ऐसा करेंगे? क्या इन चीज़ों को आप देख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं इन मिस्टेक्स से? असल में सेमीफाइनल्स में हम मेजर मिस्टेक इतनी ज़्यादा हमने की नहीं है, हम बहुत माइनर मिस्टेक करते थे और उसकी वजह से पूरा हमारा एलिमिनेट हो जाते थे। तो अभी हमने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं और फोकस और भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह फाइनल्स में। जी हाँ, उम्मीद तो रहेगी क्या फाइनल्स में जब अच्छा परफॉर्म करें। अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि क्या हम साइको को टॉप फ्रैगर्स लिस्ट में देख सकते हैं फाइनल्स में? हाँ, साइको जिस तरह का वो प्लेयर है, अगर वो अपनी, अभी उसने काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, वो मतलब अपने रोल से थोड़ा आगे जाके खेलता रहे, लेकिन अभी उसको मतलब काफ़ी उसने अपने मिस्टेक पे फोकस किया है, तो इंशाल्लाह जिस तरह का वो प्लेयर है, पहले भी अपने काफ़ी टूर्नामेंट्स में टॉप फ्रैगर आता रहा, तो इंशाल्लाह होप सो अच्छा परफॉर्म करेगा। इंशाल्लाह परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी अच्छे निकल कर आएगी। अगले सवाल की तरफ जाते हैं रहमान के, PMPL आपके लिए कितना ज़रूरी है? PMPL तो हर टीम का ड्रीम होता है, तो इंशाल्लाह अगर फाइनल्स में इसी तरह अच्छा परफॉर्म किया तो इंशाल्लाह PMPL जाएंगे इंशाल्लाह। रहमान, आपने अपने ओपोनेंट्स को किस तरह से स्टडी किया? अभी सेमीफाइनल्स में आपने देखा टीम क्वालिटी QR और टीम बबलू काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उनसे मतलब हम लोग ये गलती कर रहे थे कि हम लोगों ने पोजीशन में बहुत ज़्यादा लैग किया, सारे एंड पे आके किल्स लेते थे, हम लोग पहले किल्स लेके अर्ली एलिमिनेट हो जाते थे, तो अभी पोजीशन पॉइंट पे काफ़ी हमने सीखा ओपोनेंट से कि पोजीशन पॉइंट्स किस तरह फोकस करना है सारा, तो इंशाल्लाह फाइनल्स में चलें। उम्मीद है फाइनल्स में आपकी परफॉर्मेंस जब अच्छी निकल कर आएगी। लेकिन दोस्तों, ये थे एक्सेलरेशन के रहमान हमारे साथ, जिनसे हमने कुछ सवाल पूछे उनके बारे में, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनकी टीम के बारे में। मज़ीद सवालों के साथ आपकी खिदमत में हम आते रहेंगे, लेकिन आप लोग PMNC को इन्जॉय करते रहिए।